लखन, टिकटॉक तो बंद हो गया, क्या हाँ सर क्या कहना चाहोगे? व्हाट यू थिंक नाउ, कुछ बोलना चाहोगे उस बारे में? सुना है सरकार गरीबों के लिए 6 करोड़ शौचालय बनवा रही है। अरे भाई पहले गरीबों को खिलाओ तो सही, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। मेहनत तो बहुत की थी सर, आज से 1.5 साल पहले मैंने शुरू किया था। जैसे मतलब टिकटॉक के वीडियोस वायरल हो रहे थे, ट्रेंड हो रहा था टिकटॉक। छोटे से गांव से भी कोई आदमी अगर मेहनत कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अगर किस्मत उसका साथ देगी तो वो भी अपने वीडियो वायरल होके, मतलब वो भी एक इंडिया में चमक सकता है। उसके वीडियो भी वायरल होंगे, उसको भी हर जगह पे जाएगा तो उसको भी लोग पहचानेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मुझे भी फेम मिलेगा, ये सोच के मैंने टिकटॉक को शुरू किया था 1.5 साल पहले। रोज वीडियो बनाता था, रोज वीडियो बनाता था, रोज वीडियो बनाता था, एक भी वीडियो वायरल नहीं होता था। फिर मैंने 200, 250 या 350 वीडियो डालने के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि बहुत अच्छा वीडियो था। यार मेरी पत्नी मेरे पीछे चाकू लेकर दौड़ रही है, मैंने तो बस मजाक में कहा था, पगली दिल चीर के नेक तेरा ही नाम होगा। सुबह से पगली मेरे पीछे भाग रही है। तो मतलब मैं खुद की वॉइस में वीडियो बनाता था, वो वीडियो मेरा वायरल हुआ, 18 मिलियन, मतलब 20, तकरीबन 20 मिलियन लोगों तक पहुंचा वो वीडियो, बहुत 1 मिलियन के पास लाइक्स आ गए उसको। मतलब मैं परेशान हो गया और मेरे रातों रात फॉलोअर्स बढ़ गए। वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, और उसमें उतार भी आए, चढ़ाव भी आए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो फिर वायरल होने लगे। वीडियो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा, फिर एक जगह पे मेरे सारे के सारे वीडियोस मिलियन में जाने लगे थे और मेरे फॉलोअर्स तकरीबन 7 लाख के पास चले गए। 7 लाख पे जाने के बाद टिकटॉक ने मुझे चलाया चलाया चलाया, फिर एक जगह पे हाथ छोड़ दिया। 7 लाख पे मुझे उसने छोड़ दिया, मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। उस समय जितना मैं मतलब मेरे लाइफ में दुखी था, उतना दुखी मैं कभी नहीं था, क्योंकि एक फीलिंग आ रही थी अंदर से कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। मतलब वो फीलिंग अलग थी, जो कि मुझे एक्टर ही बनना था तो लोगों को मेरे एक्टिंग में दिखा पा रहा हूँ। सडनली वो सब स्टॉप हो गया, 7 लाख पे मेरा सब कुछ बंद हो गया। मतलब 10-15 दिनों तक मैं सैड ही रहा। फिर उसके बाद एक और नई शुरुआत करने के लिए फिर से नया अकाउंट बनाया, वो भी अकाउंट में अच्छे अच्छे वीडियो वायरल हो गए। उसमें भी मतलब 100-150 वीडियो के बाद एक जाके वीडियो वायरल हुआ था। 100-150 वीडियो बनाए बनाए बनाए, 4 लाख पे जाके उसका भी स्वाहा हो गया। मतलब कितने अकाउंट बनाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। आपको बताओ, मैं सुबह जाता था खेत में, मतलब सब लोग देखते थे मुझे, गली में भी वीडियो नहीं बना सकता था। मतलब हमारे आजू बाजू के पड़ोस के लोग छत के ऊपर आके देखते थे, ये क्या पागलपंती कर रहा है, आड़े टेढ़े मुंह बना रहा है। उनको ये सब कहाँ पता था कि ये एक्टिंग कर रहा है। लातूर, लातूर में उदगीर में तुम रहते हो ना? हाँ लातूर में उदगीर में रहता हूँ सर। हाँ फिर मतलब गली में तो कैंसल हो गया, गली में मतलब अगर वो देखेंगे तो हम मुंह किसको दिखाएंगे, गली में बहुत मुश्किल होता था इसी वजह से। और मेरे गांव में किसी को मतलब जानते भी नहीं थे कोई एक्टिंग क्या होती है वगैरह वगैरह, कि वीडियो बनाने से वीडियो वायरल भी होते हैं। तो इस वजह से मैं अकेला जाता था खेत में जाके वीडियो बनाता था, मतलब जमीन पे बैठ के ट्राइपॉड लगा के। मेरे साथ साथ देने वाला भी कोई नहीं था, एक ट्राइपॉड खरीदा था 400-500 रुपए में, वो ट्राइपॉड ने मेरा इतना साथ दिया, आज भी वो ट्राइपॉड मेरे साथ है। उस ट्राइपॉड से लेकर मैं किसी को साथ नहीं लेके जाके सिर्फ खुद वीडियो बनाता था, नीचे बैठ के ऊपर बैठ के 15-20 डेली डेली वीडियो बनाना ही बनाना है। इतनी मेहनत करने के बाद तीसरा अकाउंट बनाया, चौथा अकाउंट बनाया, अकाउंट फ्रीज करता गया। पता नहीं टिकटॉक को मुझसे क्या दुश्मनी थी, भाई मारो मुझे लेकिन मेरे अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिए। ऐसा मत करो यार, अभी तो टिकटॉक भी बैन हो गया। वेरी गुड लखन, बहुत बहुत दिल खोल के तुमने टिकटॉक जर्नी बताई। मैं तुम्हें एक ही चीज हाँ बताऊंगा सर, कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तुमने राइट सर। तुमने एक ऐड देखी होगी, चॉकलेट की ऐड है। एक बुजुर्ग महिला है, वो एक जगह खड़ी है और उसकी लाठी नीचे गिर जाती है। बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू।
क्यों बेटा? अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। तो अगर देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए। तो अब अगर उसने लाठी दी होती तो... मुझे बताओ आज तुम्हें कौन से गाने पसंद आते हैं, जो रिमिक्स विमिक्स गाने हैं वो पसंद आते हैं, या किशोर कुमार के, रफी साहब के, सोनू निगम के, अरिजीत सिंह के गाने याद आते हैं? वो याद आते हैं सर, वही तो गुनगुनाते रहते हैं, है ना। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाना तुम सुनो, 10 साल का बच्चा सुने, उनको भी पसंद आए। राइट राइट। लेकिन सो लाइव जो है ना, लाइव तुम्हारे परफॉर्मेंस की लाइव बड़ी होनी चाहिए। तुमने तुमने टिकटॉक के 1000 वीडियो बनाए, वो एक साइड में, और तुमने एक वेब सीरीज में अच्छा सा 5 मिनट का कैरेक्टर किया, वो दूसरी साइड में। वो सारे टिकटॉक के वीडियो पे भारी पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि तुमने उसमें कैरेक्टर निभाया, तुमने किरदार को दी, लाइफ दी तुमने उसको। राइट राइट। किसी की लिपसिंग नहीं की, किसी की एक्सप्रेशन कॉपी नहीं की, सिर्फ कपड़े बदलने का काम नहीं किया, सिर्फ स्टाइल मारने का काम नहीं किया, सिर्फ रिंग लाइट लगा के एक्सप्रेशन देने का काम नहीं किया, तुमने उस कैरेक्टर को लाइफ दी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। तानाजी नाम का मूवी देखा तुमने? रा 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 रा। उसमें एक एक्टर है जो मैंने जहां से मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर किया वहां से उन्होंने भी किया है, कैलाश नाम है उनका, कैलाश वाघमारे। हाँ 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 मावड़ा कैलाश वाघमारे। उनका लुक अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे अरे ना रंग है, ना रूप है, ना कद है, ना काठी है, कुछ भी नहीं है बंदे में। लेकिन अजय देवगन और सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर की, और उस एक रोल की वजह से, एक छोटे से रोल की वजह से बंदे ने इस लेवल पे एक्टिंग की है उसमें कि पूरे बॉलीवुड में की पहचान बन गई। और अब वो पहचान लॉन्ग टर्म तक रहेगी। उस एक अच्छे काम की वजह से बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में हमें इन फ्यूचर कैलाश नजर आए। राइट राइट राइट। मतलब उस एक काम ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक काम मिलने के लिए उस भाई ने 10 साल लगाए हैं, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी मराठी फिल्में की, बहुत सारे काम किए, लेकिन जिसने पहचान बना के दी ना लखन, वो था तानाजी। और उसके बाद तो मैंने देखा कि वो भाई अलग अलग शहरों में जा रहे हैं ओपनिंग करने, उनका सत्कार हो रहा है, तो लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो तुम्हारा जो हैप्पीनेस है ना, तुम्हारा जो असली सपना है, उस असली सपने की टेम्पररी हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस कुछ काम का नहीं है। ऐसा कुछ काम करके जाना है कि सालों साल बाद लोग जब देखेंगे ना, तो लोगों को लगना चाहिए आज से 50 साल बाद भी अगर 3 Idiots मूवी देखी गई तो हमें पसंद आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मुन्ना भाई MBBS आज से 100 साल बाद भी देखी गई तो पसंद आएगी कि नहीं आएगी? जरूर। तो काम, मतलब काम ऐसा करके जाओ ना कि एक बार ऐसा काम करो कि तुम्हारे काम की तारीफ लाइफ टाइम चलती है। मेरा क्या कहना है कि पेशेंस रखो, सब्र रखो, और लंबा जो टारगेट है तुम्हारा, लॉन्ग टर्म का जो विजन है ना, उसी सपने के हिसाब से चलते रहो। बस थैंक यू सो मच सर। आज मतलब जो मैं पुराना लखन था, वो लखन मैं आज खुद में देख पा रहा हूँ। जो मेरे सोच पहले थी एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने से पहले, वो सोच अभी मुझ में जिंदा हो रही है। मैंने जो सोचा था और मैं जो कर रहा था उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ गया था। मतलब मैं टोटली भटक गया था अपने रास्ते से। थैंक यू सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अंदर का एक्टर जिंदा हो गया। देखो मेरा जो चैनल है लखन, वो मेरे स्टूडेंट की वजह से है और मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर की वजह से है। तो मैं जब भी मेरे स्टूडेंट को प्रेजेंट करना होगा, जब भी मेरे सब्सक्राइबर से रिलेटेड कुछ मेरे चैनल पर प्रेजेंट करना होगा, तो जरूर मेरा चैनल आप लोगों की आवाज बनेगा। आप लोगों के एक्सपीरियंस से बाकी लोग भी सीखेंगे।
सो बहुत सारे लोगों को, मेरे स्टूडेंट को, मेरे सब्सक्राइबर को आने वाले समय में मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, उनके प्रॉब्लम्स, उन्होंने किया हुआ अचीवमेंट, वो सब कुछ अपने चैनल पर मैं लेकर आऊंगा।